नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। इस वीडियो में हम इस महा मुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या होने वाली इस महा मुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, क्या क्या बड़े बदलाव हमें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड के स्टैट्स के आधार पर कौन सी टीम इस महा मुकाबले को जीतने वाली है, यानी भाई इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे मुकाबले को पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि भाई इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतकर इस T20 सीरीज को लेवल कर ले तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 5 मैचों की T20 सीरीज के 3 T20 मुकाबले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। पहले T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरे T20 में इंडियन टीम ने कमबैक किया, 7 विकेट से जीत दर्ज की। तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर से यहां पर इंग्लैंड की टीम ने कमबैक किया, 8 विकेट से जीत दर्ज की। और फिलहाल यहां पर इन 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने 2-1 से लीड हासिल कर रखी है। और भाई ये जो चौथा T20 मैच होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर यहां पर इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत जाती तो भाई इंग्लैंड की टीम इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लेगी। वही दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम यहां पर जीत जाती है तो 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी और 5वां T20 मुकाबला एक फाइनल मैच के रूप में खेला जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि T20 क्रिकेट के इतिहास में अभी तक भारत और इंग्लैंड कुल 17 बार आमने सामने हुए हैं, जहां पर अब इंग्लैंड की टीम का पलड़ा हैवी हो गया है। इंग्लैंड की टीम ने 9 बार जीत दर्ज की है, केवल 8 बार यहां पर भारत की टीम जीत पाई। यानी भाई हेड टू हेड के मामले में यहां पर अब इंग्लैंड टीम का थोड़ा सा दबदबा हो गया और भारतीय टीम यहां पर अगले मैच को जीतकर यानी चौथे T20 को जीतकर इस हेड टू हेड परफॉर्मेंस को एक बार फिर से बराबर करना चाहेगा। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि तीसरे T20 मुकाबले में करारी शिकस्त के बाद हमें भारत की प्लेइंग 11 में काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। पहला बदलाव हमें टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर में देखने को मिल सकता है। जी, आप सभी को बताया कि पिछले मैच में केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने उतरे थे, लेकिन भाई अब यहां पर ईशान किशन और रोहित शर्मा हमें चौथे T20 मैच में भारत के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो यह बदलाव हमें बोलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है। नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, लेकिन किसको बाहर किया जाएगा, भुवनेश्वर कुमार या फिर शार्दुल ठाकुर, ये थोड़ा सा भाई थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर की जगह पर नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो भाई इस महामुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, नंबर 3 पर हमें दिखेंगे कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर सुरेश अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल या फिर सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी दिखाई देगा। नंबर 6 पर आएंगे ऋषभ पंत, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पर यहां पर वॉशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे, तीनों मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नंबर 9 पर दिखेंगे हमें भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी दिखाई देगा। और नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल। तो भी कुछ ऐसी होने वाली यहां पर इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11। वही हम बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। तो भाई इस मैच में हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में किसी भी टाइप का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो इनकी प्लेइंग 11 पिछले मैच में थी बिल्कुल वही सेम टू सेम प्लेइंग 11 के साथ यहां पर इंग्लैंड की टीम उतरने वाली है। पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट के बारे में आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि जो पिच है यहां पर 50% बैटिंग है, 50% बॉलिंग है, लेकिन वेदर यहां पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहने वाला है। बारिश के यहां पर किसी भी टाइप के कोई भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी चौथे T20 मैच को, भारत या फिर इंग्लैंड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।